फ्रेंड्स, वेलकम टू माई वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम मूंगा की रस्सा वाली भाजी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने मूंग को आठ घंटे तक इसे भिगो के रखा था। अगर आपको इसको अंकुरित करना है तो 8 घंटे के बाद इसका पानी पूरा निकाल दीजिए और इसके कॉटन के कपड़े में टाइट बांध दीजिए, तो इसको अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है मूंग, 2 मीडियम साइज के टमाटर, प्याज, 1 टमाटर, 3 टेबलस्पून मूंगफली, करी पत्ता, 6-7 लौंग, सूखी लाल मिर्च। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमने कढ़ाई रख दी है, तो इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून की राई। आप सोच रहे कि पहले मैंने क्यों राई डाली है, तो पहले राई को फूटने देंगे और उसके बाद हम तेल डालेंगे, तो उसका टेस्ट देखिए और भी बढ़िया सा लगता है। तो हम राई को अच्छी तरह से होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। देखिए राई का कलर चेंज हो गया है। अभी देखिए इसकी चटकने की आवाज़ आ रही है, देखिए फूल रही है इस तरह से। अभी इसमें डालते हैं तेल, 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालिए। इसके बाद डालते हैं प्याज, करी लीव, लहसुन, 2 सूखे लाल मिर्च और जो मूंगफली ली थी वो भी हम डाल देंगे और इसे अभी हम चलाएंगे। इसमें डाल दीजिए नमक ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। सादा होता वापस इसे चला लेते हैं। अभी देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ करते हैं और इसमें कुछ सूखे मसाले डालते हैं। अगर गैस का फ्लेम ज़्यादा होगा तो ये जल जाएंगे। डालते हैं हींग, धना पाउडर, मैं कसूरी मेथी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरा सादा वाला, ज़्यादा हमें तीखा नहीं बनाना है। साथ में डालते हैं हल्दी, अभी हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, तो जो हमने टमाटर लिया है वो डाल देते हैं। अभी हमारे मसाले ना जले और प्लस हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैं डाल दिया थोड़ा सा पानी। इससे क्या होगा, मसाले अच्छी तरह से पकेंगे और जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। अभी इसे करते हैं कवर। अभी देख लेते हैं, ये देखिए तेल हमारा रिलीज हो गया है। अभी इसमें डालते हैं धनिया, वापस इसे कुछ सेकंड के लिए कवर। अभी देखिए वापस चेक कर देते हैं, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और तेल भी रिलीज हो गया है। अभी जो हमने मूंग लिया है वो डाल, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए मिला लिया है, तो वापस इसे करते हैं कवर। ये देखिए वापस चेक कर लेते हैं। अब ये एक बार चला लिया, गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और इसे हम करते हैं कुकर में शिफ्ट।
देखिए अभी इसे कुकर में शिफ्ट कर दिया है, तो मैंने एक गिलास जितना पानी लिया है वही कड़े में लिया है जिसमें हमने मसाला भुना था, ताकि जो एक्स्ट्रा मसाला बचा हुआ है वो बीच में लग जाए। अभी वापस इसे हम चला रहे हैं। आपको जैसे भी रस्सादार बनानी है उसी तरह से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं और इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ। इस तरह से चम्मच पर डाल देना, मीन्स चम्मच पर जितना भी मसाला लगा हुआ है वो भी निकल जाएगा। अब एक कुकर को करते हैं एक बार और करते हैं गैस की तरफ। इसे 3 सीटी में लगाऊंगी। आपके यहाँ कुकर किस तरह से उसी तरह से आपको सीटी लगाना है, क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं। अभी देखिए कुकर को मैंने स्लो टू मीडियम आँच पर रखा है, तो इसे मैं 3 विसल करूँगी और इसके बाद मैं आपको फिर से बता दूँगी। कुकर ठंडा हो जाने के बाद उसका ढक्कन खुल जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको फिर से बता दूँगी। अभी कुकर हमारा 3 सीटी होकर ठंडा हो गया है। ये देखिए इसका मैं लुक बताती हूँ, आप कितना प्यारी बनी है। ये देखिए आपको जैसे भी रसादार बनाना है उसी हिसाब से आप बना सकते हो। एकदम परफेक्ट बन गई है। अभी इसे हम करते हैं सर्व। अभी इसे हम करते हैं बाउल में शिफ्ट। 3 विसल में एकदम परफेक्ट बन जाती है और बनने में देर भी लगती नहीं है। आप इसके पराठे के साथ, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हो। बड़ी प्यारी रेसिपी है और हेल्दी भी है, हेल्थ वाइज भी बहुत ही बढ़िया सी है। अभी इसमें करते हैं धनिया गार्निश। ये देखिए हमारी प्यारी सी रेसिपी बन गई है। तो इस तरह से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, एकदम मीन्स छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक भी खा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बना के देखिए, हेल्दी भी है तो बेनिफिट भी इसका बहुत सारा मिलता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आपके फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ एंजॉय भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और आपको यह रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।